कोरा के अंदर लोग क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके जो भी जिन भी यूजर्स को उसका आंसर पता होता है, जो भी उनके टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जो भी उनको आंसर पता है, वो अपने बेस्ट आंसर को यहाँ पर लिखते हैं, राइट करते हैं और साथ में वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करना है। अब सपोज मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो है फेसबुक एडवर्टीजमेंट के अंदर, तो मैं सिर्फ फेसबुक एड्स वाले को ही यूज़ करूँगा, क्लिक करूँगा, उसके अंदर जाके देखूँगा किन किन लोगों ने फेसबुक एड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन शो कर रहा है मेरा, व्हाट इज़ एवरेज सीपीसी फॉर फेसबुक एड्स इन इंडिया। अब इसके क्वेश्चन तब से 2013 में पूछे थे, अभी तक इसके आंसर चल रहे हैं यहाँ पे। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने देखा इसके अंदर टोटल 22 आंसर्स हैं। साथ में देखते हैं इसके स्टैट्स क्या हैं, व्यूज स्टैट्स का लॉग देख लिया, कितने इसके लोगों ने व्यू किया इस चीज़ को। इसके टोटल 69,000 व्यूज़ हैं और 61 पब्लिक फॉलोअर हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ अगर आंसर लिखता हूँ तो मुझे फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे व्यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे जो एवरेज सीपीसी है इसका हम लोग नीचे देख सकते हैं आंसर, किसने रेनिल सुजा ने लिखा हुआ है, आई रिसेंटली रन अ फेसबुक एड्स कैंपेन 7 मार्च में, लास्ट मंथ किया ये, इसमें एंट्री है सेलिंग रिथगिल। अब ये सारे अलग अलग आंसर्स लिखे हुए हैं, इसमें लिखा हुआ समवेयर अराउंड 300 रुपीज़ पर रीडन केस। तो आप अपने जो भी आपका जो बेस्ट पॉसिबल जो आंसर आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, साथ में आप इंटर करने के बाद अब अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। अब अगर आपको आंसर अप्लाई करना है तो एक सिंपल ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, टॉप में ऑप्शन शो करता है आंसर, इसके अंदर क्वेश्चंस फॉर यू, जितने भी मैंने अपने नो अबाउट टॉपिक्स को मैंने ऐड किया था यहाँ पे जाकर, इसके अंदर जितने ही मैंने नो अबाउट टॉपिक्स को ऐड किया था उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आएंगे अब वो मुझे यहाँ पे शो करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है, हैज़ दिल्ली गवर्नमेंट टेकन प्राइवेट हॉस्पिटल्स फॉर एन आइसोलेशन सेंटर। दूसरा हमारा है, व्हाट आर द 5 टिप्स फॉर मैनेजिंग पीपीसी ड्यूरिंग द कोरोना आउटब्रेक। तो इसके अभी तक एक भी आंसर नहीं है, एक घंटे किसी ने 1 आवर पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो हम जो हम लोग इस पर जाके इसको रिप्लाई कर सकते हैं और हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं सेम चीज़ को। अब यहाँ पे हमें एक जो ध्यान देना है, हम इसके अंदर अपने क्वेश्चंस जिसके क्वेश्चंस है उसका हम लोग आंसर इंटर कर लिखते हैं, आंसर लिखने के बाद हम इसको प्रमोट करेंगे और इसको पब्लिश कर देंगे और लास्ट में हम अपने वेबसाइट का हम इसके अंदर लिंक दे देंगे ताकि हमें पता होगा कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए।